तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है और हम बाहर जा नहीं सकते, तो आपके लिए बाइक्स की वीडियो तो मैं ला नहीं सकता हूँ फिलहाल जब तक लॉकडाउन है। उसके अलावा आज एक बहुत अमेजिंग वीडियो है जो कि आज हम एकदम से घर में हमारे डोर नॉक हुआ और पता चला कि हमें एक गिफ्ट भेजा किसी ने। तो शुरू से मुझे पता नहीं था गिफ्ट के अंदर क्या है, तो इसीलिए मैंने फटाफट से खोल दिया, लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो उसके अंदर एमएससी की तरफ से एक सैडल बैग आया हमारे लिए। इसकी प्राइसिंग कुछ 1200 रुपये लिखी हुई है, आप देख सकते हो इसके ऊपर क्या है, कैसा है, क्या क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी क्या है, तो उसके लिए वीडियो स्टार्ट करें। तो इसका जो रैपर था, जो उसके बाहर कवर पैक हुआ पड़ा था, वो मैंने उतार दिया क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो खोलते हैं। ये इस तरीके से खुलता है सामने से, और ये हो गया ऐसा। ये आप इस तरीके से इसको अपनी बाइक की पीछे वाली सीट में भी रख सकते हो। बाकी इसको खोल के दिखाता हूँ मैं। ये इसकी एक साइड है, तो ये काफ़ी बड़े बड़े से हैं, तो बकल दिए हुए हैं क्लिप्स। आप एक बार इसके अंदर देखो ज़रा, अंदर से काफ़ी स्पेस है। इधर इसके लिए पॉकेट भी है अगर आपने मैं लैपटॉप वगैरह कैरी करना है। तो बाहर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे एक पतली पॉकेट है अपना फ़ोन रखने के लिए, और यहाँ भी कुछ अपना स्टफ रखने के लिए। अगर आप इधर देखोगे, यहाँ पे बॉटल के लिए पॉकेट है, और सेम ऐसा इस साइड भी है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सैनिटाइजर जैसा कुछ यहाँ पे रखने के लिए। और सेम टू सेम सामने, और ये ऐसे करके ना यहाँ से अगर आप पास से देखोगे तो इसमें ये ऐसे सामान भर के ना आप इसको चेन लगा सकते हो। और ये जो बैग्स हैं ये वाटरप्रूफ भी हैं। इस साइड से हो जाएगा, सेम ऐसा इस साइड से भी है। ये इधर आप देखोगे सेम वही 1 2 3 इधर 4 अंदर की ये बड़ी पॉकेट जिसके अंदर मेन सारा सामान आएगा, और ये ये हो गया इसकी सारी पॉकेट्स का हिसाब किताब। और ये इसके ऊपर ऐसे करके ऊपर से ऐसे ये बंद हो जाएगा, और इसमें काफ़ी सामान आ सकता है क्योंकि देखो ये इतना लंबा इन्होंने साथ में दिया है। ये आप इसको खोलते जाओ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये तो बात रही इसकी ऐसे करने की, और ये इसके अंदर जो है ये चीज़, ये अगर आपके बाइक में कोई जगह है अंदर कुछ लगता है आपको कि आप किसी से इसको बांध सकते हो, तो ये हिलेगा डुलेगा नहीं, ये वहीं पर आके बन जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि गिर ना जाए तो गिरेगा नहीं, ये वहीं पर ऐसे टाइट होके बन जाएगा सीट के अंदर। और नीचे से अगर आप देखोगे तो दोनों ही के नीचे ये दे रखे, अगर आप कहीं पर रखते हो तो नीचे से गीला नहीं होगा, इनसे बच जाएगा बैग। अब मैं आपको इनको अपनी बुलेट पर लगा के दिखाता हूँ। सो सारा सामान डल गया इसके अंदर। अब आप देखोगे मैं इसको अपनी बाइक पर लगा के दिखाता हूँ आपको। इसको सिर्फ यूँ ऐसे करके ऐसे आपने यूँ करना है, बस ऐसे बस। ये 50% काम यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करने का, जो इसके पीछे मैंने आपको ब्रैकेट दिखाए थे, ये दिख रहे हैं आपको, ये अगर आपको ये से यहाँ से एक बार निकाल दिया, इसको ऐसे लगाएंगे ना, तो ये इसके नीचे आ गया, और इसका एक क्लिप इसके अंदर लगा दिया, और एक क्लिप अगर कहीं और समझ में आया तो यहाँ से लगा दिया। तो इससे ये क्या रहेगा, जब बाइक में झटके उठ के खाएगी उछलेगी तो ये हिलेगी नहीं। आप देख सकते हो बाइक एकदम तैयार लगेगी इस टाइम कहीं भी ले जाने के लिए। सो ये जो बैग थे, अगर आप एक बार पीछे से देखोगे बाइक को, तो एकदम बाइक एकदम ओके, एकदम तैयार लग रही है।
मतलब कहीं अगर जाना है तो ये दो छोटे मोटी राइड के लिए आसानी से हो सकता है। इसके अलावा जो और एक्सेसरीज आती है जैसे टैंक बैग हो गया और वो सब हो गया, क्योंकि इसके अंदर देखो आप बॉटल रह सकते हो पानी की, यहाँ पर यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ भी रह सकते हो इसके अंदर भी। जो इसका प्राइस है 1200 रुपये, उसमें काफ़ी अच्छा, हालांकि मैं बताना भूल गया कि इसमें 30-30 लीटर की कैपेसिटी है दोनों के अंदर। अभी भी इसके अंदर बहुत स्पेस आ सकता है, वो मैंने डाला नहीं है, काफ़ी सामान इसके अंदर भरा सकता है। आप देख सकते हो काफ़ी जगह है इसके अंदर, और इतनी ही जगह यहाँ पर भी है, तो भी काफ़ी इसके अंदर सामान आ सकता है। सो इसकी जो डिटेल्स है वो सारी आपने देख ली। इसके अलावा कोई आपकी इंक्वायरी हो तो आप मैसेज कर सकते हो मुझे, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा कमेंट्स के अंदर, और आपके सामने इंस्टाग्राम आईडी वहाँ जाकर फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में किसी और चीज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर।